carriera. Enlepi. क्या हुआ जी? ऐसे कैसे कह लिया तो ऐसे कैसे कह लिया मेरे बताओ ना ये अनुराग क्या वो गोलकाल ले तो फायदा है तो 6 बजे 30 रुपया तोरा होते हो 10 रुपये मांगते है के यार अरे देखो है ना उस सब लिए 10 रुपये लुका थोड़ा सा बिजनेस भी बुद्धि लगाना पड़ता है आप बहुत ज़्यादा सीधा है ना इसलिए आपका अमरूद बढ़िया से नहीं बिक रहा लग रहा है पका हुआ तोड़ना भी ना हाँ पका उजला ऐसा पीलापन होगा ना वही तोड़ना आदर आभार अभिनंदन जोहार सत श्री अकाल सुस्वागतम दीदी भैया नमस्ते प्रणाम सुप्रभात और जय श्री राम। तो दीदी भैया कैसे हैं आप लोग? उम्मीद और आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ से हों कुशल से हों और कुशलतापूर्वक अपने अपने घरों में हैं। अभिनव रह रहे हो और अभिनव तोड़ रहा है अमरुद। हम चूँकि हम लोग अमरुद तोड़ लेते हैं कुछ अपना अमरुद हो जाएगा कुछ राजेश जी में से ले लेंगे उनके बागान से उनके भी चूँकि 3-4 अमरुद के पेड़ हैं और कुछ हमारा वाला तो अमरुद हो जाएगा और ये सब बेच आएंगे दोनों तीनों को मिलाकर और कुछ पपीते वगैरह हैं वीडियोस के आखिर अंत तक बने रहिएगा जुड़े रहिएगा और देखिए इधर अमरूद हम लोग तोड़ लिए हैं वो हाँ ये ठीक रहा ये बहुत पीला अच्छा है ये अच्छा रहा पीला अमरूद एकदम। तो अब चलते हैं राजेश जी के बागान में और तोड़ते हैं कुछ वहाँ से अमरूद लेते हैं उनके पास से। तो चलते हैं राजेश जी के बागान में जो हमारे मित्र हैं उनसे कुछ अमरूद भी ले लेंगे और साथ में उसके साथ बेच देंगे मिला जुला कर। हाँ सटाते रहे हाँ अमरूदों का चोरी हो रहा है। हाँ ये तो बात है छोटा छोटा बच्चा लोग तोड़ दीजिए हो जाएगा तो कुछ 2 पैसा अमरूद में भी बच जाएगा तो मिला जुला के बेच आएंगे। तब कैसा अमरूद चाहिए नवरतन जी आपको? थोड़ा सा अमरूद दीजिएगा जो उजला टाइप के हो पीला से धापल लेखा तो अमरूद बिक जाता है नहीं तो फिर ग्राहक लोग भी नहीं लेते हैं जैसा बोलेगा वैसा ही देंगे। हाँ थोड़ा सा पीला ऐसा हाँ ऐसा ठीक है थोड़ा सा बड़ा साइज में जानते हैं राजेश जी काफ़ी लोग मोल भाव बार्गेनिंग करते हैं तो हम लोग क्या कुछ कमा लेंगे बताइए। मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप भी जो है बिजनेस पॉलिसी करिए। अब पेट्रोल लगता है मेहनत लगता है दरवाजे पहुंचाते हैं घर घर आवाज़ लगा और ताज़ा एकदम ऑर्गेनिक अमरूद ये बाहर के अमरूद से काफ़ी बढ़िया नहीं रहता है बाहर के अमरूद से? तो डील करिए बढ़िया से ग्राहक से डील क्यों नहीं करते हैं बढ़िया से? तोड़िए ये अमरूद ठीक है वही 2-3 गांव कभी कभी 4 भी गांव घूमना पड़ता है कोई ठीक नहीं ना रहता है बिजनेस में कौन गांव में लेगा लोग कौन गांव में नहीं लेगा। अब तो ठंडा के मौसम आ गया तो क्या करेगा तो ठंडा में ही तो अमरूद फलता है ठंडा का चीज़ तो ठंडे में ही ज़्यादा मिलता है क्या करेगा यही प्रकृति का नियम है और प्रकृति के साथ ही हम लोग को चलना है। पत्ता सही तो तोड़ दीजिएगा ना थोड़ा पत्ता आपको दे देंगे हम 20 उसी में डाल दीजिएगा बोलिएगा ताज़े हैं। हाँ ताव का थोड़ा सा बिजनेस भी बुद्धि लगाना पड़ता है आप बहुत ज़्यादा सीधा है ना इसलिए आपका अमरूद बढ़िया से नहीं बिक रहा लग रहा है। क्या कीजिए हम लोग थोड़ा सा मृदुभाषी हैं तो बोलने में नहीं बनता है ग्राहक सबको उखड़ के समय मृदुभाषी का नहीं ना है कलयुग आ गया ना सतयुग नहीं ना है कितना अमरूद तोड़ रहे हैं तोड़िए बन गया जी बन गया
दाल भात भुजिया टमाटर के चोखा बनाया है। हो रहा तैयार अभी ना? हाँ जाओ स्कूल जाओ जल्दी से, जाओ तुम लोग जाओ दोनों तीनों स्कूल। एकदम बाल झाड़ के एकदम सर संवर के अभिनव भी जाता है। जल्दी से इसको कंघी दो, दो कंघी। तो इतना सारा हम लोग अमरूद तोड़ लिए हैं, हम और अभिनव दोनों मिलके। एक झोला है लगभग 5 किलो होगा। खा के जाओ और बाकी अमरुद हम राजेश जी के साथ ले लेंगे, राजेश जी से। और वो आलू का बोरा है, इसमें आलू लाए हैं बेचने के लिए, लेकिन आज आलू नहीं ले जाएंगे, आज ले जाएंगे गाजर, कुछ गाजर है और कद्दू है, लौकी और अमरुद, ये सब है। और आरती जी इधर खाना तो लगभग तैयार कर ही चुकी हैं, थोड़ा बहुत और बाकी रह गया है, बस जल्दी से अब चटनी बन जाए तो खा उ के जाएंगे। खा लो जल्दी से, लेट हो रहा है ना। हाँ जल्दी खा के जा। मड़वा पी रहे हैं जी, पिला दीजिए मार सबको, बच्चा कुचा है जो पी लेगा। जा रहा अभिनव? हाँ। जाओ 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 पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और कुछ आगे बढ़ो और कुछ बनो। हाँ जा। कहीं नहीं आऊँ। हाँ 10 रुपये तो लोग का हम दे देंगे, वो गोलका ले जाए तो फायदा भी। तो 6 बजे 30 रुपये तोरा होते हो, 10 से 30 रुपये निकल जाते हो। 10 रुपये मांगते है? हाँ। के अरे देखो है ना, उस दलिए 10 रुपये लोग का कहीं हम मन तो दे ही, तो तू वो दू को फायदा में हो जाता हो गोलका, तू अपन देख हम ये नहीं कोई देवे करे बेसिन देखो तो दे लो, तो वो दू को तोरा फायदा में हो गल हो समझे से दमी तो दे दे तो बारी ऐसी ना करा। जा रही है प्रज्ञा, जाओ स्कूल जाओ, ये यहीं व्यापारी आ गए हैं तो दे देते हैं लोका गोल वाला लोका लमका 10 रुपये। ठीक है एक तीन एक चार दे देते हैं। हाँ देखिए वो बाहर के व्यापारी आया शहर का, दस रुपये में ले रहा है, और गांव देहतवा में 8-10 भी ज़्यादा बिक्री नहीं है, तो कहें कि इतना छोटा छोटा के 10 रुपये नहीं देते हैं। हाँ इतना छोटा छोटा के 10 रुपये नहीं देते। तो दोनों तीनों बच्चे चल गए स्कूल विद्यालय, और खाना खा लिए जी ना? हाँ खाना उना खा ली हैं, नहा वगैरह ले ली हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं। आए माचिस नहीं था, खत्म हो गया माचिस रे? खत्म कर देता था जल्दी। अच्छा तो आज पूजा पाठ ये नहीं की है, बस नहा धोवा के अब खाना वाना खा के बस सबको पैक कर देंगे। तो कुल मिलाकर बात यही कि आज बेचने जा रहे हैं गाजर और टमाटर और अमरूद। ये रहा गाजर, थोड़ा हिस्सा मिला था आज बाज़ार से, तो थोड़ा सा बाज़ार से आज गाजर मिल गया है 10-12 किलो तक। और इधर रहा अमरुद, अमरुद हम आज घर का तोड़े हैं और कुछ राजेश जी वाला, दोनों मिला के एक साथ ले जाएंगे। और आलू तो हम कल ले जाएंगे, आलू आज नहीं बेचने जाएंगे क्योंकि आज मोपेड में जगह नहीं बचेगी, तो आलू हम कल बेचने जाएंगे। और ये रहा टमाटर, 1 कैरेट टमाटर में दो गोल वाला दो कद्दू है, दो वाला ये दो गोल कद्दू है, ये भी साथ में ले लेंगे। तो चलिए जल्दी से खा लीजिए और थोड़ा सा पैक करने में थोड़ा बहुत सहायता मदद कर दीजिए, खाओ के ला दीजिए जी, ला दीजिए। हाँ नीचे उतार रहे हैं, मोपेड को उतार दे रहे हैं और इसको
अब 6 बजे दीदी भाई आप लोगों से मुलाकात होगी जब सब्जी बेच के आएंगे वापस तब। और फिलहाल तो अब जा रहे हैं आसपास के गांव देहात बाजार में। क्या हुआ जी? ऐसे तो फ्री हो ना? खाल पपर में ना। चलो ठीक है। ये अभी जाते हैं। तुम्हारे से नच रहे हैं। ये तो मर चुका है। हाँ देहाती है। सामान लाद लिया है, सारा सामान लेके अब जितनी सब्जियां थी गाजर था और टमाटर वगैरह अमरुद सब रही लाद के अब ले जा रहे हैं। और ये मैं रहा, बस आसपास के इस गांव में जाएंगे और फिर उसके बाद उधर गांव है उधर जाएंगे और मैं दो तीन गांव में चल जाएंगे तो बिक जाएगा, ज़्यादा बहुत सारा नहीं है आज। तो दीदी भैया वापस से आ गए हैं घर और देखिए आधा कैरेट टमाटर तो हमारा बच गया है, आधा कैरेट बिका है और आधा कैरेट बचा हुआ है और बाकी अमरुद वगैरह तो सब बिक गया, अमरुद पूरा सेल हो गया बिक गया। और समय की बात की जाए तो अभी बजे हैं संध्या के तकरीबन 6:30 होने वाले हैं। और क्या कुछ बना रहे हैं आरती जी, क्या कुछ बनाएंगे? अभी आलू को भी सब्जी बना रहे हैं। आलू को भी की सब्जी और रोटी। तबीयत अभी भी ठीक ना है जी? बुखार भी है? बुखार नहीं है। पढ़ो तुम लोग पढ़ो। प्रेरणा प्रज्ञा आ गई अपने माँ के पास पढ़ने, इनकी माता जी इन्हें पढ़ाती हैं और थोड़ा बहुत इनकी पढ़ाई में गाइड करती हैं। क्या लिख रहा है प्रेरणा, क्या लिख रही हो बाबू? लघुत्तम। लघुत्तम देख पड़ती से हम अभी यही बनाते ही स्कूल में है। पड़ती से तो निकाल ना हो बन गया जी। बनाई बनाई भूख लगी है जोरों की। क्या पढ़े प्रेरणा? हिंदी। मिट्टी और अनेकों प्रकार के होते हैं। मिट्टी अनेक प्रकार के होते हैं। जलोढ़ एक उपजाऊ मिट्टी है, यही ना? तो चूंकि दीदी भैया ठंडे का मौसम है, सर्दियों का ये मौसम है तो काफ़ी हमारे राज्य में ठंड पड़ रही है, इसलिए हम लोग एक साथ एक जगह चूल्हे के पास बैठकर ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं बच्चों को। और इधर आरती भी बना रहे खाना, गोभी की सब्जी और रोटी। और तो गोभी है? हाँ आलू गोभी है, आलू गोभी, आलू गोभी सब्जी और रोटी। तो आज दरअसल सारा दिन हमारा ऐसा रहा कि अमरुद भी गया, पहली बार तो अमरुद आज तो सारा अमरुद भी गया, प्लस में जो हमारा गाजर था जो 12 किलो के लमसम गाजर था 10-12 किलो गाजर भी बिक गया, लेकिन टमाटर नहीं बिका, टमाटर आधा कैरेट से ज़्यादा बचा हुआ है। तो कितना हमें फ़ायदा हुआ या कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, कितना हमारी शुद्ध रूप से बचत हुई, ये तो फिलहाल आकलन करना मुश्किल होगा। वो हमारा जब आधा कैरेट टमाटर बिक जाएगा तभी हम ठीक ठीक इसका आकलन लगा पाएंगे कि आखिर हमें इसमें बचत कितना हुआ।
तो जो बाकी का टमाटर वो बेचेंगे कल। तो फिलहाल आप लोगों से रहते हैं अब विदा, और तो ठीक है दीदी भैया, इसी के साथ आज का वीडियो ब्लॉग का हम समापन करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि शुरू से लेकर आखिर अंत तक आपने हमारे वीडियो जरूर यहां तक देखा होगा, और देखकर आप लोगों को हमारी ग्रामीण दिनचर्या, ग्रामीण सभ्यता संस्कृति और गांव का रहन सहन आपको पसंद आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी और किसी नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, शुभरात्रि शुभकामना और शब खैर, और जाते जाते दीदी भैया सभी को पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और शुभ रात्रि, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो चलते हैं और लेते हैं विदा, टाटा कर दो अंकल आंटी को, टाटा कर दो। हाँ और कह दो फिर आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, पापा आप लोग वीडियो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, शेयर कीजिएगा। हाँ तोतली जवान में बोलती है, तोतली जवान में पढ़ा।